समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे जौनपुर के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लेकर बीजेपी को जनता को जवाब देना चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि स्मार्ट सिटी आखिर कब तक बनेगी और मां गंगा गंदी क्यों है। लगातार बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने न जाने कितने दिन पहले ही 2.5 लाख करोड़ इकट्ठे कर लिए होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर रोजगार पर बात नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जेलों में कौन मिलता है और अपराधियों की साठगांठ किससे है, यह सब अब उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब समाजवादी का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए कि गरीबों को कब तक फ्री में वैक्सीन लगेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों है? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? और जब आज अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं, मैं उससे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे। और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए? आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से। मुख्यमंत्री, कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान ना हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना काल में सबको रोटी और खाना पहुंचाए हैं, आप खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, काम रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताएं हमें। विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं को संरक्षित कर रहा है विपक्ष, आप ये सोचिए कि जेलों में कौन मिलता है जा कर के, और जहाँ पर अपराधी हैं उनकी साठगांठ किससे है? सत्ता से साठगांठ है। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने टिप्पणी की है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, ये कोई उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय नहीं, सब भारत के लोग हैं। आजाद भारत में पहली बार स्टेडियम का नाम किसी जिंदा बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है जो बात आप कह रहे हो। आज भारत में पहली बार हुआ होगा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? ओवैसी यूपी की सत्ता में आ रहे हैं, क्या लगता है प्रभाव डालेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा, वो इंतज़ार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, और बनारस के लोग तुम तो हो वरना कब साफ होगी उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। किसान को रोजगार कब मिलेंगे, वो संस्थाएं कब बनेंगी जिसमें काम, रोजगार और नौकरी नौजवानों को मिले? अखिलेश जी संत रविदास के दर्शन करने जा रहे हैं, दलित उठ कर नजर। देखिए, वैक्सीन का सरकार बताएगी सबको फ्री कब दे देगी और गरीबों को कब तक पूरा लग जाएगी? संत रविदास का मट्ठा देखेंगे आप क्या? सरकार ये बताए कि फ्री वैक्सीन कब लग जाएगा सबको, और गरीब को पूरी
पूरी वैक्सीन कब तक लग जाएगी। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।